जिला मुख्यालय के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की छात्राओं ने हॉस्टल अधीक्षिका के खिलाफ मोर्चा खोलकर एसी ऑफिस का घेराव कर अधीक्षिका की सहायक आयुक्त से शिकायत की। वहीं सहायक आयुक्त विवेक पांडे द्वारा तत्काल छात्राओं के साथ छात्रावास पहुंचकर जांच दल बनाकर कार्यवाही की है। मुख्यालय के 100 सीटर छात्रा पोस्ट मैट्रिक छात्रावास मीरू गुथरे अधीक्षिका द्वारा संचालित किया जा रहा था, जहां छात्रावास अधीक्षिका के रवैये से परेशान होकर छात्राओं ने सहायक आयुक्त कार्यालय पहुंचकर कार्यालय का घेराव कर हॉस्टल अधीक्षिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सहायक आयुक्त विवेक पांडे के पहुंचने के बाद छात्रावास अधीक्षिका के द्वारा छात्रावास में पंखे व लाइट के खराब होने पर नए लगवाने के लिए पैसे वसूलने के आरोप सहित अधीक्षिका के पति द्वारा अभद्र व्यवहार की शिकायत की है। बड़वानी से अतुल कुमार की रिपोर्ट। सुनीता बंडोर। सुनीता, किस बात की शिकायत को लेकर आप एसी के पास गए? सर, हमारी हॉस्टल अधीक्षिका के संबंध में जो छात्राओं की हॉस्टल छात्राओं की जो समस्या रहती है उनके से संबंध में है। क्या किस तरह के आपने शिकायत की है? मतलब कि हॉस्टल की जो समस्या रहती है, लाइट पंखे वगैरह बल्ब वगैरह रहता है, जो बीते सत्र में भी अधीक्षिका के द्वारा पूरा व्यवस्थित किया जाता था और अभी भी किया जाता था, परंतु जब से ये मैडम आए ना तब से अभी तक लड़कियों से आधे पैसे वसूले जाते हैं और बल्ब वगैरह स्वयं को लाना पड़ता है। और जो पंखे वगैरह है, कोई कोई रूम में ऐसे है कि जो घर से ला रखे पंखे, और हम मैडम को बोलते हैं तो फिर मैडम बोलते हैं कि आधे पैसे देना पड़ेंगे तुमको, आगे से पैसे नहीं आ रहे हैं, इस तरीके से बोलते हैं। तो लड़कियों के द्वारा जो पैसे आधे पैसे वसूले जाते हैं और आधे उनकी तरफ से देते हैं। उनके पति को लेकर क्या समस्या है? उनके पति को लेकर जब हम समस्या लेकर जाते हैं तो उनके पति सामने आते हैं और बोले कि क्या समस्या है तुमको, इस तरीके से बातें करते हैं। और फिर हम समस्या बताते हैं तो तुम्हारे मैडम कुछ काम कर रहे हैं, इस तरीके से बोल कर वापस अंदर घुस जाते हैं। हाँ, मतलब अधीक्षिका के द्वारा गाली गलौज इस तरीके से प्रताड़ित करना, न्यूज़पेपर लेने जाते हैं तो फिर डरा धमका कर उन्हें पुनः हॉस्टल में भेज देना इस तरीके से, और तुम क्या कर सकते हो, क्या कर लोगे, मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, ये बोलते हैं। छात्राओं ने क्या शिकायत की थी? छात्राओं ने आज कार्यालय में उपस्थित होकर अभी शाम को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने अधीक्षिका एवं अधीक्षिका के पति के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। हम लोगों ने तत्काल उसके लिए अपनी महिला प्राचार्य को लेकर जांच दल का एक ने गठन कर दिया। आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने जाँच प्रारंभ भी कर दी है। अगर वो आरोप उसके सत्य पाए जाते हैं तो हम लोग इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। किस तरह के आरोप? उन्होंने ये कहा कि छात्रावास के प्रबंधन में अधीक्षिका और अधीक्षिका के पति दोनों का दखल रहता है, एक आरोप ये लगाया था। दूसरा उन्होंने लगाया कि जो शिष्यवृत्ति की राशि है उसमें अधीक्षिका द्वारा वसूली की राशि की मांग की जाती है। तो दोनों किस्म के आरोप में हमारा जो जांच दल है वो अंदर जांच कर रहा है अभी। अधीक्षिका के पति क्या करते हैं? मुझे भी उसकी जानकारी नहीं है। यह अलाव उनका है ना, क्योंकि अधीक्षिका को उसका क्वार्टर अलॉट है, क्वार्टर में परिवार के साथ समानता रहते हैं, लेकिन छात्रावास प्रबंधन में उनका दखल नहीं होना चाहिए। क्वार्टर हम लोगों ने अभी आपके सामने दिखा कि परिसर से कन्या छात्रावास से दूर है, तो ऐसी स्थिति में दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन जांच में अगर पाया जाता है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। और किसी प्रकार के गंभीर आरोप छात्राओं को लेकर? ये विस्तृत रूप से जांच दल की रिपोर्ट आने के ऊपर हम कह पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।